अस्सलाम वालेकुम व्यू सची खबर न्यूज के साथ में हूँ आयशा कंवर। सियालकोट से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोठी लोहारा के इलाके रुपये मासूम बच्चों के कत्ल में इंसाफ नहीं मिल रहा, मुकदमा की तफ्तीश तब्दील की जाए। अहलिया ने रुपये की डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल से खुली कचहरी में इस्तदुआ। थाना कोठी लोहारा में डीपीओ सियालकोट की खुली कचहरी में रुपये दोहरे कत्ल दौरान ने भाई फाहद आहद के वालदैन और वालसैन के साथ पूरा गांव मीडिया की मौजूदगी में पेश हुआ। उनका मौकफ था कि जीशान उर्फ शानी आसफ उस्मान मलिक हसन ने अपने पिस्टल से दोनों भाइयों फाहद आहद को फायर मारे, जिनसे इनकी मौत वाकया हुई। पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर मुलजमान को छोड़ दिया। मकतूल बच्चों का नजरी बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। पुलिस अपने खिलाफ एहतजाज का पूरा बदला ले रही है। मुलजमान के साथ साजबाज कर ली और भारी रिश्वत लेकर हम पर झूठी क्रॉस वर्जन दर्ज कर दी है। अब पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और डीपीओ सियालकोट ने मिसल का मुतालिया करने के बाद एसएचओ पर बरहम हुआ और एसएचओ को नाकस तफ्तीश की बिना पर क्लोज टू लाइन कर दिया और वारसान को यकीन दिलाया कि मुकदमा की तफ्तीश दोबारा होगी, जिस पर अहले इलाका ने डीपीओ का तहदिल से शुक्रिया अदा किया, पुलिस को दाद दी और डीपीओ का शुक्रिया अदा किया। इस सारे मामले की मीडिया कवरेज के लिए कसी तादाद में सहाफी मौजूद थे। फिर उन्होंने तोड़ के रात चुके जाएगी।